महाकाल जिसकी रक्षा करता है फिर उसे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं होती। और हम अभी हैं उज्जैन के महाकाल में और यहाँ पर बना है महाकाल कॉरिडोर। अयोध्या और काशी के बाद ये महाकाल कॉरिडोर एक ऐसी उपलब्धि होगी श्रद्धालुओं के लिए जो बहुत ही बड़ी सुविधा देने वाली है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, उससे क्या सुविधाएं मिलेगी आइए जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उज्जैन से ही हैं हम लोग। और यहाँ कटनी मध्य प्रदेश। आप लोग कहाँ से? ओडिशा से। ओडिशा। आप कहाँ से? दिल्ली से। पूरा भारत वर्ष अगर कहा जाए तो यहाँ पर समा गया है महाकाल के इस मंदिर में। अलग अलग राज्य से लोग महाकाल की श्रद्धा को समेटे यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मनौती मानते हैं। यहाँ पर क्या होने महाकाल जो कॉरिडोर बना उसके बारे में कुछ मालूम है? हम वैसे तो दिल्ली से आए हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है। और हम पहली बार आ रही हैं जी, हम यहाँ पर फर्स्ट हैं। क्या लगता है महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद कुछ सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल, यहाँ पर देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत सुविधाएं मिलेंगी, कुछ मिली भी हैं और बहुत कुछ आगे हो जाएंगी। आप लोग उड़ीसा से आए हो माता जी, यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या काशी के बाद अब महाकाल का कॉरिडोर, क्या उपलब्धि मानती है? हम तो प्रधानमंत्री और उज्जैन को देखने आए हैं और महाकाल को भी दर्शन करने आए हैं। हम इतना खुश हैं जो उज्जैन वासी हमको भी देखने के लिए सुजोग दिए हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से पहली बार आ रही है? हाँ, पहली बार है, किंतु खुशी से आए हैं। बहुत खुशी से। आप ये जो महाकाल पहली बार महाकाल आ रहे हैं कि सारे लोग पहली बार महाकाल पहली बार है? हाँ, पहली बार। ये जो महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है इसके बारे में कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं, हम लोग का ऐसा एक्चुअली अचानक से प्लान बना कि 11 तारीख को हमको यहाँ जाना महाकाल में दर्शन में, और यहाँ आए पहली बार और ऐसा भव्य रूप देख के हमको बहुत खुशी हो रही है। अयोध्या काशी में जिस तरह से कॉरिडोर बना है अब महाकाल में भी कॉरिडोर बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। सुविधाएं हो जाएंगी, जो पुराने स्तर पर दर्शन की सुविधा थी वो अब नए ढंग से हो जाएगी। तो क्या सुविधाएं, क्या इससे, क्या इसे किस तरह से देखते हैं, उपलब्धि मानते हैं राज्य के लिए? ये तो राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। बाहर वो भारत वर्ष माता वाला मंदिर बन रहा है वो बहुत ही मतलब अच्छा दिख रहा है। भव्य मंदिर है। आपने भारत माता के मंदिर के दर्शन किए? नहीं किए अभी, नहीं दर्शन, उद्घाटन नहीं हुआ। ऐसे आप लोग उज्जैन से जी? ये जो कॉरिडोर बन रहा है उससे आप लोगों को क्या सुविधा है? इससे तो सुविधा ये है कि पूरे यहाँ तक कि विश्व के लोग भी काफ़ी मानते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और यहाँ पे जो कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आने वाले हैं, यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साहित होते हैं। हर दिन आते हो मंदिर आप? हाँ, हर दिन आते हैं हम लोग। आप भी हर दिन आते हैं? हाँ, हर दिन आते हैं। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग 100 स्तंभ, नंदी गेट, इनका भव्य स्वागत के लिए दूर दूर से बहुत विश्व के लिए प्रसिद्ध। लेकिन हर दिन मंदिर आकर बाबा से क्या मांगते हैं? यही है कि इस धरती पे जितनी बहुत सारी परेशानियां चल रही है, कोविड चल रहा है और भी अभी गाय माता में इतनी सारी परेशानी, तो हम चाहते हैं कि सुख और शांति रहे। ये कॉरिडोर बढ़ने से मध्य प्रदेश में और भी श्रद्धालु आएंगे और भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। इस सुपर कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद यहाँ कुछ संभावनाएं हैं कि और बहुत कुछ ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आओ, लोकल लोगों के लिए है रोजगार की और उपलब्धियाँ बढ़ेंगी और अवसर मिलेगा, आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं इस बात को, लोगों को जो बेरोजगार लोग, जरूर उन लोगों को अवसर प्राप्त होगा। तो जाहिर तौर पर महाकाल कॉरिडोर में काफी जगह से लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं। महाकाल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है। आप इटावा से आए हैं? पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, तो महाकाल के दर्शन करने आए? महाकाल कॉरिडोर के बारे में सुना है जिसका प्रधानमंत्री? सुना है, उससे काफी रोजगार बढ़ेगा, आदमी को काम धंधा बढ़ेगा उससे, पुरानी जो पूजा पाठ फिर शुरू हो जाएगी। आप कहाँ से हैं? शाहजहानपुर से, यूपी। आप पहली बार आ रहे हैं कि पहले मैं भी? मैं पहली बार आया हूँ। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, इसके बारे में सुना? जी, कल माननीय प्रधानमंत्री महाकाल का कॉरिडोर का उद्घाटन करने आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मैं भी आया हूँ वहाँ से कॉरिडोर का उद्घाटन देखने। इससे पहले आप तो यूपी से आ रहे हैं, वहाँ भी काशी अयोध्या तमाम काशी कॉरिडोर बनाए गए, क्या लगता है वहाँ लोकल लोगों को या ये कॉरिडोर बनाए जाने से रोजगार बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ा है, लोग प्रसन्न है। यहाँ भी उसकी सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी और मिलनी चाहिए भी। यहाँ अभी क्या दिक्कत होती थी और कॉरिडोर बनने से दर्शन में क्या लाभ मिलेगा?
लाभ तो नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगेगा, सब लोगों को और रोजगार भी मिलेंगे और देखने में बार बार से जो लोग आते हैं और अच्छा हो जाएगा, महाकाल की कृपा होगी सबके ऊपर, दर्शन में सुविधाएं मिलेंगी। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि न सिर्फ एक राज्य उज्जैन या मध्य प्रदेश के, पूरे देश से अलग अलग राज्य से यहां श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं, या यूं कहें कुछ विशेष अवसर पर लाखों लोग यहां पर पधारते हैं। आज पूरे इस महाकाल की उज्जैन नगरी को इस तरह से सजाया संवारा गया है जैसे मानो पूरी नगरी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हो, और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कॉरिडोर को आज से ही बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर देखते हुए, लेकिन महाकाल के दर्शन में आम लोगों को कोई इसमें आपत्ति ना हो या आम लोगों को कोई मुश्किलें ना हो, इस बात को लेकर ये सुविधाएं, इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है कि आम लोगों को दर्शन का लाभ मिलता रहे। दर्शन के लिए मंदिर को नहीं बंद किया गया है। बहरहाल कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो ये मंदिर परिसर भी, हाँ, ये बंद किया जाएगा कुछ देर के लिए, लेकिन महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरह काशी कॉरिडोर या अयोध्या के मंदिर के निर्माण की बातें चल रही हैं और काशी कॉरिडोर बनने के बाद रोजगार की उपलब्धियां बढ़ी हैं, वैसे ही उज्जैन के लोगों में भी इस बात को लेकर खुशी है कि अभी तक श्रद्धालु तो आते ही थे लेकिन कॉरिडोर बन जाने के बाद लोगों में एक कौतूहल है कि एक बार फिर से महाकाल के दर्शन किए जाएं, और उनके लिए जो यहाँ रहने वाले बासिंदे हैं उनके लिए भी एक ये बड़ा अवसर देगा। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ उज्जैन से अनामिका रत्ना।